कैसे मैं भुलाऊं, तू मेरी आदत बन चुकी है, तुझे कैसे मैं भुलाऊं। सो गाइस, ये सॉन्ग जो है वो 6 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, मंडे को, दो दिन बाद। सो गाइस, बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस सॉन्ग को, काफी सारी मेहनत है इसमें, काफी सारे सडनली प्लान्स है इसमें, और काफी अच्छा डायरेक्शन है हमारे पाजी का, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री है माशाल्लाह। रदुल के साथ ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, रदुल के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट है, पाजी के साथ मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। सो गाइस प्लीज इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छे लिरिक्स है। थैंक यू सो मच। Yeah, so good evening everybody. Thank you for joining us today, and on behalf of Brown Pigeon and United White Flag, I would like to welcome all of you and thank you for always supporting us. So today is a big day for us. Adat, our song, you know, we've been really waiting for this to release, and we've been collaborating with Rohan Kai. My first song was also with Ramji. This is my 30th song. Ramji ke saath hi hai, 100th bhi inke saath hi hogi. So it's my pleasure working with Chetna for the first time, and Mridul also, you know, has joined us as a producer on this one with Shahzeb Bhai, who's missing this evening due to some reasons. And I'm a big fan of Ishan. ये बहुत अच्छा गाते हैं और मैं इनका दीवाना हूँ उनकी आवाज़ का. And the good news is that, you know, today with Adat we also releasing our first film, and first time हमने कुछ कोशिश की है, you know, to support independent artists. Kushal is here, I think, and brilliant movie they, you know, which has been picturized by them, and we try to come in our best as a producer on the same. So we start with Adat. I think I'll hand over the Rohan to speak over it. Yeah. What are you looking for? Thank you so much. Obviously हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और पहला गाना मैंने जब राम जी के साथ किया था 4-5 साल पहले, तब अलग लुक था, तो अब सब ग्रो कर रहे हैं हम, एज एन एक्टर ऑल्सो भी ग्रोइंग, और हर चीज़ में हमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है. He's very versatile. हर वीडियो में अलग लुक, अलग फील, एंड टू गुड. तो बहुत मज़ा आया. हमने दुबई में ही गाना शूट किया आदत, और मतलब प्लान फटाफट बना. हम लोग ऐसे, मैं और मृदुल फ्लाइट में आ रहे थे किसी और गाने का शूट से, और राम जी तो ऐसे मैंने मृदुल को इनसे इंट्रोड्यूस करवाया. ये गाने की प्लानिंग फ्लाइट में हुई है. फ्लाइट में हुई है, और मृदुल को मैंने इनसे इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि गाने की प्लानिंग चल रही है और फिर हमें दुबई जाना है. तो चेतना हमारी लाइक शी इज ऑल्सो लाइक फैमिली, तो हमने सबसे पहले चेतना को ही कॉन्टैक्ट किया, और फिर मृदुल बताएगा आगे क्या हुआ. बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आया फ्लाइट में बना. फिर नेक्स्ट डे से हमारी प्लानिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई. राम पाजी ने मेरे को स्टूडियो बुलाया, फिर सॉन्ग्स वगैरह सुनाए, तो आदत सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट था. तो फिर मैंने कहा रोम से कि करना है ये गाना, फिर चेतना से बात करी. और ईशान बहुत मजा आया. नहीं, आई थिंक चेतना वाज द ओनली एंड परफेक्ट चॉइस फॉर द सॉन्ग. शी इज आदत. और कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? लवली लुक, यू लुकिंग लवली, बोथ आर लुकिंग लवली टुगेदर. थैंक यू. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. एक्चुअली पहली बार ऐसा लगा कि आई वाज नॉट वर्किंग विद पीपल दैट आई डोंट नो, बिकॉज़ यू नो समटाइम्स यू वर्क विद पीपल यू हैव नो क्लू अबाउट, बट यू नो आई हैव नोन बोथ ऑफ देम. वी आर डूइंग क्लास टुगेदर, एंड हमारी क्लास की शूटिंग जस्ट खत्म ही हुई थी, एंड मृदुल I have known like since 2-3 years. He's like my younger brother, so he's like मेरा पहला गाना है, and आप और रोहन भाई से अच्छी मुझे कोई जोड़ी नहीं लगती. And I was also like, you know, we've never done a song together, but I think I also felt we will do justice to the song, because the song was very beautiful, and Ishan ki voice, when I heard the song the first thing was wow, this song is amazing. Then his song with Jasmine also came, so whatever song he has sung before also, he's a brilliant singer. I love his voice, you know, there are very few melodies which stick to you, and his was one of that. And Ramji, I've heard so much about him, but this was the first time I get to work with him. He is such a chiller. Humne ek din mein matlab itni interesting like fun mein gana shoot kar liya ki pata hi nahi chala, and you know the result is here. I think it was a great experience. Ek din mein banaya, aur aap dekhenge to aapko pata chalega ki bahut hi grand lag raha hai. So all thanks to Ramji. दुबई के तो एक्सपर्ट है ये, जो भी फरारी वरारी चाहिए तब से इनके एक इशारे पर आ जाती है. हमने इतनी गर्मी में शूट किया है, वी वर मेल्टिंग. आई वाज लाइक कैसे होगा, बट दिस मैन न्यू एवरीथिंग, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब कुछ हो गया. मान लीजिए इट्स वेरी वेरी कूल. आपका गाना ऑलरेडी द आदत बन गया,
मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, आज से शायद 1.5 साल पहले की बात है, जब हम बैठे थे ये सॉन्ग के लिए और पाजी मुझे अपना बैंक सुना रहे थे और बात मानी इनके पास इतने सारे सॉन्ग्स हैं मतलब, और सारे ही सारे बहुत अच्छे हैं, और ये गाना तभी मुझे दिल को छू गया था, तो मैंने पाजी से बोला था पाजी ये गाना करते हैं साथ में, देन फिर उसके बाद ये सॉन्ग बना, फिर कई बार इनके आया हूँ मैं, हम इस सॉन्ग पे सेटिंग हुई और मुझे पता ही नहीं चला कब ये शूट हो गया पाजी का, मुझे दुबई से कॉल आया कि तूने जो गाया फाइनल है ना तेरे को, अब तो कुछ नहीं करना है, बोला नहीं पाजी साहब फाइनल, पहले के शो इतना अच्छा गा देते थे, दोबारा गाने एक गाने की प्लानिंग देखिए, 1.5 साल से चल रही है प्लानिंग, मैंने बोला दूसरी बार गा के और कुछ नहीं हो जाए, ये पहली बार में ही बहुत सही लग रहा है, और फाइनली अभी मैंने वीडियो देखा है जस्ट, बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब इस गाने की प्लानिंग अभी से फ्लाइट में नहीं है, 1.5 साल पहले से चल रही है, नहीं सॉन्ग वही वही सब गाने की, मतलब देखो एक गाने की भी इतनी मेहनत लगती है, यस यस यस, लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन द सॉन्ग, गाने में हम भी हर गाने में एक नई लुक रहती है, So now you know Brown Pitch and United White Flag have collaborated not towards just you know one song or movie. We are doing couple of projects in future. Shazib Bhai and me are planning around 46 songs in an year, and already you know 3-4 movie ki scripts chal rahi hai. So I think in 2022 you know you will see a lot of action so from our end. हम सारे फिर से 2-3 movies करने वाले हैं. Yes 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 yes. नहीं मेरे मेरे all. See, because I feel, you know, this is, they are not actors for me, they are not artists for me, they are my family. I dil se manta hu aur haq se ye baat bolta hu aur sabko ye baat bolta hu. So I feel mere ko bhi same feeling hai aap log ki taraf se. So we try, you know, every time we get a new concept, we get a new locations, you know, so audience can connect with Rohan, like with Chetna and all the other artists we work with. तो काफ़ी कुछ एक्शन होने वाला है, बस हमेशा प्यार देते हैं और हमेशा प्यार देते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस, आपके पास माइक था एक, अगर आप, अरे इतने सारे माइक से कोई भी डालो, साउंड आ रहा था, दादू का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाने में, वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी, क्या है जो हाल दिल का कह रे अखियों मुझे आज तू रोते रहे जिस चेहरे को मैं देखूं उसमें मैं तुझको पाऊं तू मेरी आदत बन चुकी है तुझे कैसे मैं भुलाऊं तू मेरी आदत बन चुकी है तुझे कैसे मैं भुलाऊं और इसका जो फेवरेट पार्ट है जो मुझे काफी पसंद है प्लीज क्यों किया था मैंने प्यार क्यों किया था मैंने प्यार तुझे मैं अक्सर सोचता हूँ इन हाथों की लकीरों को मैं पल पल कोसता हूँ तेरी दूरी सही न जाए तेरे गुण में ना रह पाऊँ तू मेरी आदत बन चुकी है तुझे कैसे मैं क्या बात थैंक यू तो बेसिकली आदत का जो आपने आज प्रीव्यू देखा वो परसों 6th को रिलीज़ हो रहा है एट 12 PM तो आप सबका सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए प्लीज़ गो वॉच द सॉन्ग एंड गिव अस ऑल द लव यार मेक इट अ हैबिट आदत Thank you.
राम जी सोलो पिक्चर।